हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्राची वेलकम टू आवर चैनल आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस का नया टॉपिक दैट इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वीडियो नहीं देखी है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देखें जिसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी तो इस वीडियो के लिए हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की तो आपको रिफ्रैक्शन वर्ड सुना सुना लग रहा है हमने आ, चैप्टर टेंथ में पढ़ा था अबाउट रिफ्रेक्शन क्या होता था रिफ्रेक्शन कि मान लेते हैं ये एक ग्लास है और यहां से हमने क्या पास करवाई है एक रे पास कराई है लाइट रे पास कराई है जिसे हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट ठीक है तो जैसे ही ये एयर मीडियम है एयर से जब ये रे ग्लास में आ रही है यानी कि एयर क्या है आपका रेयरल मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है आपका डेंसर मीडियम है रेयर डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसे हम रेरर मीडियम कहते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसे हम डेंसर मीडियम बोलते हैं हम कह सकते हैं कि जो एयर है वो हल्का मीडियम है और जो ग्लास है वो भारी मीडियम है इसलिए हम इसको बोलते हैं डेंसर तो जैसे ही इंसिडेंट रे हल्के से रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो क्या होता है हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल इस तरीके से बेंड हो जाती है जबकि आना कैसे चाहिए इसको इस तरीके से स्ट्रेट जाना चाहिए जबकि कहाँ बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन अब बात आती है एटमोसफेयरिक रिफ्रैक्शन की एटमोसफेयरिक जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्या कि ये अर्थ अर्थ के ऊपर एटमोसफेयर है तो ये रहा एटमोसफेयर एक लेयर ठीक है और ये भी पता होगा आपको कि जैसे ही एटमोसफेयर के बाहर ये जो पूरा का पूरा स्पेस होता है ये स्पेस जो होता है पूरा का पूरा ब्लैक होता है ठीक है जो लाइट होती है लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो सब चीज़ें हमें सिर्फ और सिर्फ एटमोस्फेयर के अंदर दिखाई देती है ऐसा क्यों उसका रीज़न हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा जिसे हम बोलते हैं द प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट अभी के लिए आपको ये समझना चाहिए कि ये एक स्पेस है ये एटमोस्फेयर है ये अर्थ है यहाँ पर सन सन की जो रेज है वो कहाँ जा रही है अर्थ की तरफ आ रही हैं तो सबसे पहले क्या होगा जैसे ही सन की रे अर्थ की तरफ आने लगेगी इंसिडेंट होगी एटमोसफियर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वाटर वेपर्स होते हैं डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और गैसेस होती हैं राइट स्मोक होता है स्मोग होता है और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं ठीक है ठीके? जिसकी वजह से ये जो एटमोसफेयर है ये क्या बन जाता है डेंसर मीडियम बन जाता है ये कौन सा मीडियम बन जाता है डेंसर जबकि जो स्पेस होता है वो कौन सा मीडियम रहता है रेयर ये हल्का मीडियम रहता है और ये कौन सा हो जाता है डेंसर किसकी वजह से क्योंकि एटमोसफेयर में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं तो जैसे ये ऐसे आएगा रेयर रे टू डेंसर मीडियम में आएगा तो जो रे होगी वो किस तरह कैसे बेंड हो जाएगी वो इस तरीके से बेंड हो जाएगी तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन जब रिफ्रैक्शन किसमें हो एटमोस्फेयर की वजह से हो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन तो अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे When लाइट rays, rays पास थ्रू द atmosphere, जैसी लाइट रे पास जाती पास करती हैं एटमोसफेयर को दे undergo refraction, वो रिफ्रेक्शन शो करती हैं वाइल एंट्रिंग फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज का मतलब यहां पर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हो वैसे ही कि कौन सा रेयरर मीडियम है कौन सा डेंसर मीडियम है जैसे ये रेयरर था ये डेंसर था इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटीज एंड दिस टाइप ऑफ रिफ्रेक्टिव रिफ्रैक्शन इज टर्म डेस एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन तो इसे हम बोलते हैं एटमोसफेयरिक रिफ्रैक्शन अब इससे related, क्या क्या हैं हैं जो हम daily life में देखते क्या-क्या चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ फिना हैं जो हमारे नेचर में होते हैं ड्यू टू एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन वो कौन कौन से हैं सबसे पहले अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स यानी कि जो स्टार्स चाहे आप यहाँ पर स्टार्स लगा सकते हो यहाँ पे आप सन लगा सकते हो या मून यानी कि जितनी भी स्पेस में हम चीज़ें देखते हैं अर्थ से उनकी जो अपेयरेंट पोजिशन जो हमें दिख रही होती है पोजिशन वो कौन सी होती है और एक्चुअल पोजिशन कौन सी होती है Yes, उनकी एक्चुअल और दिखने वाली पोजीशंस दोनों ही डिफरेंट होती हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे सेकेंड हम डिस्कस करेंगे सनराइज एडवांस भी हमें दिखाई देता है एक्चुअल सनराइज से और हमें देर तक भी दिखाई देता है सनसेट sun, उसके बाद स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं अगर स्टार्स ट्विंकल करते हैं तो प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं? तो सबसे पहले अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स सन या फिर मून तो अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार समझने के लिए मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूं यहां पर अर्थ हेयर एटमोसफेयर और यहां मैं ड्रॉ कर रही हूं एक स्टार है। तो स्टार से जो लाइट आ रही है वो कैसे आ रही है वो इस तरीके से आएगी इंसिडेंट लाइट ठीक है उसके बाद फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होने की वजह से डस्ट होने की वजह से और एयर में जो गैसेस होती हैं उसके होने की वजह से इसका जो आ, मीडियम है वो क्या हो जाता है डेंसर मीडियम हो जाता ये है ये एटमॉस्फेयर है ये डेंसर मीडियम और जहां से लाइट आ रही है वो मीडियम कौन सा रेयर मीडियम है हल्के मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो क्या होगा ये इस तरीके से हम क्या करते हैं नॉर्मल की तरफ बेंड होती है ये रही नॉर्मल नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर इसकी तरफ बेंड हो जाएगी ये लाइट इस तरीके से जैसे हमने वेरी फर्स्ट में मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन के बारे में इस तरीके से बेंड होगी और मान लीजिए यहां पर इंसान खड़ा हुआ और वो देख रहा है इसको ठीक है अब जानी चाहिए कैसी थी इस तरीके से हमें दिखाई देनी चाहिए थी है ना यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए थी लेकिन हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर अगर मैं इसको बैकवर्ड और इसको इस तरीके से मैं ड्रॉ करती हूँ तो ये जो स्टार है वो हमें कहाँ दिखाई देगा वो स्टार हमें यहाँ दिखाई देगा हम अगर यहाँ खड़े हैं एक्चुअल में ये है उसकी एक्चुअल पोजीशन और हम जब इसको ड्रॉ करते हैं बैकवर्ड ये हमें स्टार यहां पर दिखाई देता है इसे हम बोलते हैं अपेयरेंट यानी कि जो हमें दिखाई दे रही है ये अपेयरेंट पोजिशन है तो हमें क्या दिखाई दे रहा है स्लाइटली हायर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा क्यों दिखाई दे रहा है ड्यू तो टू एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन तो अब इसको हम आंसर लिखेंगे कैसे बेन स्टार लाइट एंटर्स द अर्थ एटमोसफेयर जैसे ही स्टार की लाइट अर्थ एटमोसफेयर में एंटर करती है जो लाइट रे होती है वो बेंड कर जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल ये रही नॉर्मल नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड कर जाती है ड्यू टू एटमोसफेयरिक रिफ्रैक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जिसकी वजह से जो स्टार है वो हमें कैसे दिखाई देता है स्लाइटली हायर दिखाई देता है देन इट्स एक्चुअल पोजिशन उसकी एक्चुअल पोजिशन से थोड़ा सा ऊपर हमें दिखाई देता है ये होगी पोजिशन तो ये थी इसकी फर्स्ट फिनोमेना सिमिलरली सेकंड फिनोमेना क्या है एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट अब एडवांस्ड सनराइज और डिलेड सनसेट का क्या चीज रहेगी एडवांस्ड सनराइज का मतलब क्या है कि जब सन एक्चुअल में राइज़ हो रहा होता है उससे पहले ही हमें दिखाई दे देता है एडवांस उससे पहले हमें दिखाई देता है और डिलेड सनसेट का मतलब क्या है कि सनसेट एक्चुअल में तो हो गया है लेकिन फिर भी हमें वो देर तक दिखाई दे रहा होता है और कितना मिनट होता है टू मिनट्स तो दो मिनट पहले हमें सन दिखाई दे जाता है और दो मिनट बाद तक भी हमें सन दिखाई देता है जब उसका एक्चुअल सनसेट हो जाता है तब भी ऐसा क्यों अगेन ये रही अर्थ ये रहा एटमॉस्फेयर तो मान लेते हैं सबसे पहले सनराइज हो रहा है ये रहा सनराइज और जैसे ही इसकी रेस फॉल करेंगी एटमॉस्फेयर के ऊपर इस तरीके से और क्या होगा ये इंसिडेंट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन की वजह से रेयरर टू डेंसर मीडियम में आने की वजह से क्या होगा ये रही इसकी नॉर्मल और ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल इस तरीके से हमें अर्थ पे इस तरीके से दिखाई देगी तो जब हम इसको पीछे बैकवर्ड की तरफ खींचेंगे तो कहा जा रहा है सन ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये रहा इस तरीके से तो ये एक्चुअल सन तो ये है लेकिन हमें दिखाई कहाँ दे रहा है यहां दे रहा है स्लाइटली हायर दिखाई दे रहा है यानी कि एक्चुअल में तो ये है लेकिन हमें पहले दिखाई दे गया ठीक है एडवांस सनराइज कि हमें पहले दिखाई दे गया हमें ऊपर दिखाई दे रहा है सिमिलरली जैसे ही सनसेट हो रहा होता है तो ये रहा सनसेट इसकी रेस कैसे आ रही होंगी इस तरीके से आ रही है इंसिडेंट रे अगेन हम क्या ड्रॉ करेंगे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अब फिर से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगी और ये कहा जाएगी बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी ऐसे पहुंचेगी और इसको जब हम बैकवर्ड लेकर जाएंगे तो ये कहा दिखाई देगा सन हमें यहां दिखाई देगा तो एक्चुअल में सनराइज सनसेट तो यहां पर हो चुका है बट हमें फिर भी वो यहां दिखाई दे रहा है तो हमें ये दो मिनट तक दिखाई देता रहेगा एक्चुअल में तो वो यहां पहुंच गया लेकिन हमें दिखाई कहाँ दे रहा है वो हमें यहां दिखाई दे रहा है राइट तो ये रीजन रहता है इसका एडवांस सनराइज एंड एंटीलेट सनसेट का इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे वेन सनलाइट एंटर्स द अर्थ एटमोस्फेयर जैसे ही सनलाइट एंटर करती है अर्थ के एटमोसफेयर में जो लाइट रे होती है वो बेंड कर जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल ड्यू टू एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन ये एटमोस्फेयर है इसकी वजह से ये कहाँ बेंड कर जाती टू वर्ड स नॉर्मल बिकॉज रेर टू डेंसर मीडियम में आ रही है जिसकी वजह से जो सन है वो स्लाइटली तो हायर दिखाई देता है उसकी एक्चुअल पोजीशन से ये रही एक्चुअल पोजीशन ये रही अपेरेंट पोजीशन तो जैसे ही हमें एक्चुअल पोजीशन से स्लाइटली हायर दिखाई देता है उसकी वजह से ये दो मिनट हमें पहले दिखाई दे रहा होता है सनराइज़ के और एक्चुअल पोजिशन से हमें अपेरेंट पोजिशन दो हायर दिखाई दे रही है तो जिसकी वजह से ये हमें दो मिनट के बाद भी दिखाई देता रहता है जब उसका एक्चुअल सनसेट हो जाता है उसके बाद भी वो दो मिनट तक हमें दिखाई देता रहता है तो ये थी इसकी टू एप्लीकेशन अभी तक फिनोमिना एंड थर्ड ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं तो अगेन हम ड्रॉ करेंगे अर्थ अगेन एटमोस्फेयर और ये रहा स्टार स्टार से ये लाइट आई क्या हुई रिफ्रेक्ट इस तरीके से अब अगर मैं इस पोर्शन को मैं जूम करती हूं इतने से पोर्शन को मैं जूम करूं तो ये लाइट स्ट्रेट नहीं होती है ये लाइट हमें दिखाई दे रही होती है इस तरीके से पाथ ऑल्सो ये एक लाइट रे तो नहीं है ये तो वन लाइट सोर्स है राइट right? इतनी दूर है तो हमें क्या दिखाई देता है एक छोटा सा लाइट सोर्स दिखाई देता है तो एक रे तो नहीं आ रही होती रेस तो बहुत सारी है ये रही रेस ठीक है बट जैसे वो नीचे आती हैं, वो इस तरीके से अर्थ पे आने तक क्या करती हैं? फॉलो करती हैं जिग्जेक्ट पाथ अब ऐसा क्यों हमें पता है कि एटमोसफेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं वाटर वेपर्स हैं और एयर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि गैसेस होती हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब चीजें प्रेजेंट हैं इसके अंदर ठीक है तो क्या होता है हर सेकंड एवरी सेकंड हर जगह पर एवरी सेकंड एट एवरी पॉइंट इन द एटमोसफेयर जो इनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो चेंज होता रहता है मतलब कहीं पर इतना सा पोर्शन क्या हो जाएगा ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो जाएगा इतना सा पोर्शन कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि मान लो हवा इस तरह घूमी तो सारी डस्ट पार्टिकल मान लो अगर इस तरफ जमा हो गए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये डेंसर मीडियम हो जाएगा भारी मीडियम हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा सिमिलरली अगर इस पोर्शन पे जैसे ही सारी हवा इधर चली गई तो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल छट जाएंगे ये पार्ट ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा साफ हो जाएगा जिसकी वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो हर सेकेंड हर पॉइंट पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता रहता है चेंज होता रहता है तो क्या हो रहा है जैसे ही ये काफी सारी रेज आ रही हैं ठीक है, है? मान लेते हैं कि ये पांच रेज आ रही हैं फाइव रेज एक साथ आ रही हैं ठीक है ये पांच रे के बीच में मान लीजिए यहाँ पर ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया बहुत ज़्यादा यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स आ गए बहुत ज़्यादा तो जैसे यहाँ डस्ट पार्टिकल्स आ गए क्या ये रेज आपकी तरफ पहुँच पाएंगी नहीं ये यहीं पर ही क्या हो जाएंगे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे इनका पाथ ऐसे निकल जाएगा या तो इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा तो आपकी आईज तक नहीं पहुंच पाएंगी आपकी आज तक सिर्फ और सिर्फ थ्री रेस पहुंच पाएंगी आ कौन सी रही है आ टोटल रही है फाइव रेस लेकिन आपकी आईज तक पहुंच पाई सिर्फ तीन ठीक है तो जब तीन रेज आपको दिखाई दे रही हैं, तो वो कैसे दिखाई दे रहा है डिम दिखाई दे रहा है राइट क्योंकि कम रेज आ रही है अब आप वहीं खड़े हो ठीक है अब ये जो डस्ट थी ये हवा फिर से इधर आई डस्ट निकल गई डस्ट निकल गई ये सारा का सारा मीडियम हो गया हल्का बिल्कुल इसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है वाटर वेपर्स नहीं है तो क्या हुई पांचों की पांचों आपकी आईस तक पहुंच गई जैसे ही पांचों की पांचों आपकी आईस तक पहुंच गई अब आपको कैसी लाइट दिखाई देगी फाइव फाइव की दिखाई दे तो देगी वो लाइट आपको दिखाई देगी ब्राइट पहले डिम दिखाई दे रही थी क्योंकि हवा बीच में क्या आ गई थी डस्ट आ गई थी दूसरे पार्टिकल्स आ गए थे वो ब्लॉक हो गई जिसकी वजह से जो रेस थी वो सिर्फ कम पहुंच पाई कम की वजह से वो डिम दिखाई देने लग गया स्टार की लाइट जब काफी सारी रेज आने लग गई क्योंकि वो सारा का सारा डस्ट पार्टिकल्स एयर पार्टिकल्स छट गए फिर वो पांचों की पांचों रेज आ गई और वो ब्राइट दिखाई देने लग गई तो इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे वेन अ लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर इट कोज इट अंडरगोज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो हमें पता है जैसे ही आती है वो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से इस तरीके से पेंड हो जाती है ऑन अकाउंट ऑफ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज का मतलब क्या है वही हर जगह पर क्या हो रहा है कभी घूम के इधर चले जाते हैं चल है, उसे हम बोलते हैं वेरिंग चेंजिंग ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब की वो डेंसर हो रहा है या रेयर मीडियम बन रहा है राइट एट डिफरेंट पॉइंट हर पॉइंट पर continuously the continuously changing atmosphere refracts the light from the star appears to be twinkle ये जो continuously change होता रहता है atmosphere उसकी वजह से जो light होती है वो हमें कैसे दिखाई देती है twinkle करती दिखाई देती है कभी dim तो कभी bright dim जब क्या हो जाए block हो जाए ये rays ये rays ज्यादा की ज्यादा reflect हो जाए दूसरे पात पे चले जाएं और काफी सारी रेज अगर आ गई तो वो क्या दिखाई देगा ब्राइट दिखाई देगा अब हमें तो समझ में आ गया ये ट्विंकल कर रहे हैंट तो नहीं हमें दिखाई देते ट्विंकल करते हुए अब ऐसा क्यों डिस्कस तो जो प्लान होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं तो सबसे पहले बात अगेन हम बनाएंगे अर्थ अगेन हम बनाएंगे एटमोस्फेयर ठीक है तो हमें पता है कि जो स्टार है वो बहुत दूर होता है लेकिन जो प्लानिट्स होते हैं वो हमारे अर्थ के पास होते हैं वैसे रियल में देखा जाए तो जो स्टार्स का जो साइज़ होता है वो प्लानट से बहुत बड़ा होता है बट ये बहुत दूर होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमें ये छोटे दिखाई देते हैं और ये क्या होते हैं बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमारे अर्थ के पास होते हैं ठीक है ओके तो जो स्टार है वहाँ पे क्या है लाइट आई रिफ्रैक्ट हुई और अंदर से इसने जिक्जैक्ट पाथ फॉलो करा और जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई दी ये ट्विंकल होती दिखाई दी ठीक है अब क्या है ये क्या था वन लाइट सोर्स था वन लाइट सोर्स अब ये जो है ना ये एक लाइट का नहीं होता इसके पास बहुत सारी लाइट सोर्सेस होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं इसके लाइट सोर्सेस के तो अब इन सब में से लाइट आ रही है ठीक है इस सब में से रेज आ रही है तो अब एक चीज ध्यान से देखिए मान लीजिए ये इतनी सारी टॉर्च है और मेरे पास ये एक अकेली टॉर्च है ठीक है अब मैं इसको कब बंद करूंगी या जलाऊंगी ठीक है तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये एक लाइट है कभी डिम हो रही है तो कभी जल रही है कभी बंद हो रही है तो कभी जल रही है लेकिन अब यहाँ पर तो मैंने थोड़ी सी ली है लेकिन बहुत सारा बंडल हो अगर मेरे पास तो मैं अगर एक आधी बंद भी कर दूँ क्या टोटल लाइट पर फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा मैं एक बंद कर देती हूँ एक कम कर देती हूँ या एक बढ़ा दूँ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा दो कम कर दूं या दो बढ़ा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा टोटल लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि अगर छोटी छोटी हैं ये एक आदि कम तो ज्यादा भी हो जाए डिम हो जाए या ब्राइट हो जाए तो टोटल लाइट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता सेम रीजन यहाँ पर ये यह रहता है कि इतनी सारी लाइट रेस आ रही होती हैं ठीक है और इतनी सारी फॉलो हो रही हैं बहुत सारी हो रही हैं तो डिम ब्राइट तो हो रही हैं बीच बीच में कहीं कहीं डिम ब्राइट तो हो रही है लेकिन जो इतनी सारी लाइट टोटल हमारी अर्थ पे पहुंच रही है वो क्या है वो कॉन्स्टेंट है वो लाइट हमारी कांस्टेंट है बीच में डिम ब्राइट जरूर हो रही है लेकिन इतनी सारी लाइट की वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ भी कोई एक आधी डिम भी हुई है एक आधी ब्राइट भी हुई है तो जो टोटल लाइट रह रही है वो कांस्टेंट रह रही है अनचेंज रह रही है जिसकी वजह से हमें लगता है जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं तो अब इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे आर मच क्लोजर टू अर्थ प्लैनेट्स होते हैं वो अर्थ के ज्यादा पास होते हैं बजाय के स्टार के और आर कंसीडर्ड एज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइड सोर्सेज ऑफ लाइट यानी कि इसके अंदर बहुत सारी लाइट के सोर्सेस होते हैं और दो लाइट फ्रॉम ईच पॉइंट फ्लिकर्स यानी कि हर लाइट जो है वो फ्लिकर कर है, फ्लिक कर या फ्लिक का मतलब वही कहीं डिम हो रही है तो कहीं ब्राइट हो रही है ड्यू टू तो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन जैसे स्टार के केस में हो रही थी फिर भी जो टोटल लाइट जो होती है हमारी आई में जो पहुंच रही होती है वो क्या रहती है कॉन्स्टेंट रहती है अनचेंज रहती है जिसकी वजह से जो प्लानट्स होते हैं वो हमें ट्विंकल करते दिखाई नहीं देते तो ये थे कुछ फिनोमिन जो रिलेटेड थे एटमोसफेयरिक रिफ्रैक्शन से तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एटमोसफेयर में पार्टिकल्स की वजह से क्या हो रहे हैं ये सब चीज़ें एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन हो रही है जैसे ही हम एटमोसफेयर के बाहर जाते हैं तो ये जो स्पेस है ये सारा का सारा हमें ब्लैक दिखाई देता है क्यों वो हम रीज़न पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट राइट सो थैंक यू दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो